आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूँ, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत। सीएए को लेकर पूरे देश भर में खलबली मची हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में भरे मंच से सीएए कानून लागू करने का ऐलान भी कर दिया था। वहीं अब मोदी सरकार में मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान से तो घमासान ही बच गया है। शांतनु ठाकुर ने कहा कि 7 दिनों के अंदर सीएए का कानून लागू होने वाला है। भारतवर्ष से सीए लागू होवे गारंटी हम राज के मंच दिले दिए गेला। भारतवर्ष से सीए लागू होवे गारंटी हम राज के मंच दिले दिए गेला। भारतवर्ष से सीए लागू होवे गारंटी हम राज के मंच दिले दिए गेला। मोदी के मंत्री ने उस बंगाल में यह बयान दिया है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वो ममता जो पहले दिन से सीएए के विरोध में रही हैं, माना जा रहा है कि शांतनु ने जानबूझकर बंगाल में यह बयान दिया ताकि सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा सके। शांतनु ठाकुर ने कहा कि साल 2019 में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की ओर से लाए गए सीएए का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है। साउथ 24 परगना जिले के काकदीप में रविवार शाम एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर की शुरुआत हो गई है। अगले एक हफ्ते में न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में सीएए का कानून लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस राज्य की सरकार दावा करती है कि अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड है तो आप इस देश के नागरिक हैं और वोट डाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हजारों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित क्यों रखा गया? मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि इन लोगों को वंचित क्यों रखा है। भारतवर्ष सीए लागू होवे गारंटी हम राज के मंच दिले दिए गेला। आगामी एक सप्ताह मध्ये भारतवर्ष पश्चिमबंग सह भारतवर्षের প্রত্যেক স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। वहीं कोलकाता में ठाकुर ने दोबारा दोहराया कि मैंने कल जो कहा था उस पर कायम हूँ, 7 दिन के अंदर सीएए के कानून को लागू कर दिया जाएगा, यह मेरी गारंटी है। वहीं से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सीएए का शोर मचा रही है, ये उनकी राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है और जो लोग बॉर्डर इलाकों में रह रहे हैं उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। वे राज्य के नागरिक हैं इसलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। वहीं भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी ऐलान कर दिया है कि फरवरी तक सीएए का कानून लागू हो जाएगा। बहुत जल्दी भाई, फरवरी का अंदर। फरवरी इज नॉकिंग द डोर। फरवरी इज ए लीप ईयर। 29th इज द लास्ट डेट, नॉट 28। जो बंगाली में बोला है, सोच समझ करके बोला है, वही मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। सब लोग को मालूम है जो मार्च महीने में पिछले चुनाव डिक्लेयर होने वाला है, इसलिए हम लोग का उम्मीद है ये फरवरी में हो जाएगा। मार्च में इलेक्शन डिक्लेयर होने जाने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाएगा, ये सब लोग का पता है। इसमें तो एक कब होगा तो होम डिपार्टमेंट ऑफिशियल अनाउंस करेगा। हम लोग का उम्मीद है विद इन फरवरी हम लोग का पास अच्छा समाचार आ जाएगा और पूरा इतना दिन का लड़ाई खत्म हो जाएगा उद्वास्तु को।